नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों का असर महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनाव पर हो सकते हैं। राज्य में बीजेपी को निराशा हाथ लगी है, वहीं इंडिया गठबंधन एक बार फिर से मजबूत होता दिखाई दे रहा है। नतीजों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े उलटफेर होने के संकेत मिल रहे हैं। खबरों की माने तो 18-19 विधायक अजीत पवार की पार्टी का हाथ छोड़कर शरद पवार गुट में वापसी करना चाहते हैं। एनसीपी नेता शरद पवार के पोते रोहित पवार ने दावा किया है कि अजीत पवार की पार्टी के कुछ विधायक लगातार संपर्क में हैं और मैं वापसी भी करना चाहते हैं। रोहित पवार ने कहा है कि लगभग 18-19 विधायक पार्टी में लौटना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल समय में जिन्होंने शरद पवार का साथ दिया है वो पार्टी के लिए ज्यादा जरूरी है और वो हमेशा पार्टी की प्राथमिकता रहेंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले एनसीपी के दो नेता नीलेश लंके और बजरंग सोनवणे शरद पवार की पार्टी में शामिल हुए थे। एनसीपी ने नीलेश लंके को अहमदनगर और बजरंग सोनवणे को बीड लोकसभा सीट से टिकट दिया था। दोनों नेताओं को जीत मिली। राज्य में इंडिया गठबंधन की अच्छी स्थिति देखकर कुछ विधायक पार्टी से संपर्क साधने में जुटे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बड़े बदलाव हो सकते हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में अजीत पवार की पार्टी एनसीपी ने सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल की है। बीजेपी 9 और शिवसेना 7 सीटों पर जीती है। इसी के साथ महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 17 सीटें मिली है। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार की एनसीपी को 8 सीटें, कांग्रेस को 13, शिवसेना को 8 सीटें मिली है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के खाते में 29 सीटें गई हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। ऐसे में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच फिर से कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है।